सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 3 के फर्स्ट लुक और कैरेक्टर रिवील के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट लुक पोस्टर के बारे में, जो ये है। जी हाँ, इस पोस्टर को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है और हम इस पोस्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे टूथलेस अल्फा को उसकी सोलमेट मिल गई है, यानी अल्फा ब्लैक है तो वो व्हाइट है, उसके बिल्कुल अपोजिट। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि अल्फा के साथ साथ बाकी दूसरे ड्रैगन्स को भी उनकी सोलमेट मिलेगी इस फिल्म में। तो अगर आपने इसका सेकेंड पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा कि सेकेंड पार्ट में एकब के फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म में स्ट्रॉकी फिर से नजर आ सकते हैं और उनकी वॉइस देने के लिए फिर से हमें नजर आएगी ग्रेट बटलर। और साथ ही साथ इस फिल्म में हमें हेकअप की मदर वॉल्का फिर से नजर आएगी, जिनकी वॉइस केट ब्लैंचेट देती है। तो बात हो गई इसके फर्स्ट लुक की, तो फर्स्ट लुक काफी ज्यादा अच्छा है। आपको ये फर्स्ट लुक कितना पसंद आया इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अब आ जाते हैं इसकी बाकी दूसरी कास्टिंग पर। तो कास्टिंग की बात करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ड्रीमवर्क्स काफी ज्यादा ध्यान देता है अपने कैरेक्टर्स को लेकर, क्योंकि हमने जब इसका फर्स्ट पार्ट देखा था तो फर्स्ट पार्ट में हेकअप और उसके दोस्त थोड़े टीनेजर थे, लेकिन जब इसका सेकेंड पार्ट आया तो उनकी एज थोड़ी बढ़ गई और थर्ड पार्ट के कैरेक्टर्स फोटोज में हम देख सकते हैं कि वो लोग बिल्कुल यंग है। तो सबसे पहली इमेज है हेकअप की, जिसमें हम हेकअप और टूथलेस को देख सकते हैं और हेकअप के कैरेक्टर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और उसके बाद है एस्ट्रेड, जिसकी वॉइस अमेरिका फेरलिना देती है। जी हाँ, ये इनका नाम है और उनके कैरेक्टर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और वो हमें अपने ड्रैगन के साथ में नजर आ रही है। फिर उसकी अगली इमेज में हमें नजर आता है शॉन आउटलेआउट, जिसकी वॉइस जॉन हिल देते हैं, तो इस कैरेक्टर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और अगली इमेज है फिश लेग की, जिसकी वॉइस क्रिस्टोफर मिंजी देते हैं, तो ये कैरेक्टर भी अब बड़ा हो गया है। और अगली इमेज है टूथलेस और हेकअप की। उसके बाद की इमेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उन दो कैरेक्टर्स के भी नाम बता देता हूँ। एक है टफनेट और दूसरी रफनेट, जिनकी वॉइस टीजे मिलर और क्रिस्टन विंग देती है। तो ये दो कैरेक्टर्स के तो फर्स्ट लुक हमें नहीं मिले, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये दोनों कैरेक्टर भी इस फिल्म में रिटर्न आएंगे। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डैन ही डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी के दो पार्ट्स भी उन्होंने ही डायरेक्ट किए हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए वो फिर से रिटर्न आ गए हैं। और अभी रिसेंटली इसका नेटफ्लिक्स पर एक शो भी हुआ था, जिसका नाम था ड्रैगन रेस टू द एज। लेकिन फिलहाल तो मैंने वो सीरीज नहीं देखी है, और अगर आपने वो सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वो सीरीज कैसी है। और हाँ, स्टूडियो ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि उस सीरीज का इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी ये सीरीज मूवीज से कहीं भी कनेक्ट नहीं है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात है, वरना इस चीज से काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती थी, क्योंकि जिन लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा है वो उसके बाद की ही कंटिन्यूएशन चाहते हैं। और अगर फिल्म में सीधे उस वेब सीरीज के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी तो लोगों को फिल्म में कुछ भी समझ नहीं आएगा। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 3 की इमेजेस को लेकर, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।